और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां पर तेज रफ्तार टैंकर से बस की टक्कर हो गई है। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते इस हादसे का कारण बताया जा रहा है। चार गंभीर यात्रियों को CHC में भर्ती भी कराया गया है। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार टैंकर और बस की टक्कर हुई है। रोडवेज बस में सवार कई यात्री घायल भी हुए हैं, जिसमें से चार गंभीर यात्रियों को CHC में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। घने कोहरे की वजह से ये हादसा होना बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से। तेज रफ्तार टैंकर से यात्री बस जो है रोडवेज की, वो टकराई है। इस हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, जिसमें से चार गंभीर घायल यात्रियों को CHC में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के पास की घटना है, कोतवाली की घटना है। घने कोहरे की वजह से हादसा होना बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बिजनौर की। एक बार फिर घने कोहरे के चलते एक दुर्घटना हुई है, एक भीषण हादसा हुआ है। बिजनौर का यह हादसा है, जहां पर तेज रफ्तार टैंकर और बस की टक्कर हुई है। रोडवेज बस में सवार कई यात्री जो है वो घायल हो गए हैं, जिसमें से चार जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें CHC में भर्ती कराया गया है। अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र की घटना है। घने कोहरे के कारण ये हादसा होना बताया जा रहा है।